जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। वाह नंदिनी, तेरे पहले प्यार को तूने पा ही लिया, अब बता भी दे सुहागरात कैसी थी। अरे हाँ हाँ बता ना, तेरा शान तुझे मिल गया, बता भी दे कैसा था। क्या बोल रही हो, ये भी कोई बताने वाली बात है? ठीक था, जैसे सबका होता है वैसे था। अरे नंदनी बताओ वो लड़की कौन है? वो मोनी की नई आया है। रियली? आया जैसी लगती तो नहीं है। मौजूमदार खानदान की आया है ना, मौजूमदार खानदान की बेटी को संभाल रही है, तो अच्छे कपड़े भी दे देते इसे पहनने के लिए। अब बड़े घर के स्टेटस के हिसाब से तो रहना पड़ेगा ना। वाह नंदिनी वाह, तेरे तो ठाट है। यहाँ तो आया के भी स्टैंडर्ड काफी हाई है। एक्सक्यूज मी मैम, आया नहीं है, इसका नाम अस्मिता है। और ये बहुत ही रेप्यूटेड कॉप कोलकाता पुलिस में है। कॉप तो यहां बैठ के बच्चे क्यों संभाल रही है? और नंदिनी ने तो बोला था कि वो आया है। नंदिनी मैं तुम्हें ना लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जा। तुम्हें कोई हक नहीं है अस्मिता की इंसल्ट करने का, और दोबारा उससे आया मत दिया। आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं जीजू? मैं बताती हूँ। एक्चुअली ना ये मेरी एक्स देवरानी है। और पहले मेरे देवर की बीवी थी। इस खानदान के छोटे बेटे से शादी कर ली इसने और बच्चा भी पैदा कर लिया। पर वो क्या है ना, कुछ औरतें होती है ना जिन्हें बाहर मुंह मारने की आदत होती है, तो ये उनमें से एक है। अब इसे अपना पति अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मेरे पति के पीछे पड़ी हुई। और इसीलिए हृदय ने इसे पीछा छुड़वाने के लिए इसे डिवोर्स दे दिया। पर डिवोर्स के बाद भी ये हमारे रहमत के टुकड़ों पर पल रही है और मोनी को संभाल रही है, और इसी बहाने मेरे पति शान पर डोरे डाल रही है। ऐसी औरतों को ना नॉर्मल भाषा में हस्बैंड स्नैचर्स कहते हैं। बस